कितने दिनों से ये समस्या थी, बच्चा वाला भैया नहीं हो रहा था। 26 साल, 26 साल शादी का 26 साल हो चुका था। 26 साल कहाँ कहाँ दिखा चुके थे छत्तीसगढ़ में? बहुत जगह दिखा चुके थे। आज एक्सेल प्लेस वेलनेस की एक बेहतरीन रिजल्ट को सुनकर हम लोगों ने सारंगढ़ के हमारे वरिष्ठ लीडर श्री दयाराम साहू सर, मोहन बंजारे जी और रामगुलाल साहू सर के साथ में मैं शेखर पटेल, हम लोग पिथौरा क्षेत्र बसना थाना के अंतर्गत ग्राम पीरदा में आए हुए हैं। हमने सुना था कि वहाँ पे हमारे एसएलपीएस वेलनेस की प्रोडक्ट से एक नन्ही परी ने जन्म लिया है, तो सिर्फ हमने उसको सुना था और उस व्यक्ति से हमने बात किया था। आज हम उनके पास में लाइव आए हुए हैं और हम आज आकर उस बच्ची से मिले भी, हमने उसको अपने गोदी में लिया भी, हमको बहुत अच्छा लगा। हम उन्हीं के माँ बाबू जी से हम जानना चाहते हैं कि उन लोगों ने किस तरह की प्रोडक्ट का उपयोग किया और कैसे इसको लगातार उपयोग करके आज उनके गोद में एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया, उनके घर में खुशी आई है। मैं मोहन बंजारे जी से आग्रह करूँगा कि बिल्कुल सर जी लोगों से एक परिचय जरूर लीजिएगा। बंजारे जी भैया, आपका क्या नाम है? दुकालू राणा। कहाँ रहने वाले थे? ग्राम पीरदा कुम्हार डिपा। भैया, पहले आपको क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी? मोला बहुत समस्या रही बाल बच्चा के कारण, और बहुत खर्चा कर चुके रहे, करीबन 2-3 लाख रुपए खर्चा कर चुके रहे जी, कोई पता नहीं चले। तो बाद में हर मान। कितने दिनों से ये समस्या थी, बच्चा वाला भैया नहीं हो रहा था? 26 साल, 26 साल शादी का 26 साल हो चुका था। 26 साल कहाँ कहाँ दिखा चुके थे छत्तीसगढ़ में? बहुत जगह दिखा चुके थे, घर उसका आता पता तो मालूम नहीं है। जी जी हाँ। तो डॉक्टरों का क्या कहना था भैया? और हो नहीं पाएगा बोले। क्या समस्या बताए? वो बहुत कुछ कमजोरी है बोला डॉक्टर ने तो। हाँ, तो एक साथी था जी मेरे यहाँ, वो बोला कि आयुर्वेदिक दवा खा कर देखो बोला जी। तो उसको 3 महीना लगातार खाया हूँ, और वो दवा यही दवा है, इसको मैं खाया हूँ जी, इसको मेरा मैडम जी खाया है जी। अच्छा, कितने दिन तक, कितने का खाए हैं? ये कितने दिनों तक लगातार चला था भैया? ये करीबन 3 महीना, 3 महीने का चला था। और 3 महीने का जो उसका अमाउंट था, जो पैसा था भैया, कितना हुआ था लगभग? वो 30,000 हुआ इसका, 30,000 करीब। हाँ। और एक चीज जानना चाहूंगा भैया कि डॉक्टर के अब जब दिखाए थे तो कमी आप में बताया था, तो क्या बताया था कि ये क्या कमी है करके? तुम्हारा कीटाणु कमी है, नहीं हो पाएगा, मतलब स्पर्म में शुक्राणु की जो संख्या है वो बहुत कम है, 4% करके बताया था। 4% जी। तो आप भैया, ना जाने कितने ऐसे हमारे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हुए 10 साल 20 साल हो चुका है, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सलाह ये दे रहा हूँ कि दवा खाने में सब हो जाएगा जी, जितना है सब हो जाएगा, सभी का दुआ है, मेरा का भी दुआ है जी, बहुत हो जाएगा, इसमें मन को करने का कोई बात नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।